आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बैंक डिपॉजिट कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, 1 लाख से ज्यादा लोगों को हुआ 1,300 करोड़ का फायदा, परेशानियों का निकला समाधान। 1971 में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे, जारी किया गया जनरल विपिन रावत का आखिरी रिकॉर्डेड संदेश। शरद पवार के जन्मदिन पर पीएम मोदी ने दी बधाई, ओमिक्रोन के खतरे के बीच डिजिटली बर्थडे मनाएंगे एनसीपी। सिक्किम सरकार का बड़ा फैसला, साल 2022 से प्लास्टिक की बोतलों पर लगाया जाएगा बैन। ओमिक्रोन टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने बनाई आरटीपीसीआर किट, 2 घंटे में आएगा रिजल्ट। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुफ्त डबल राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रविवार सुबह 9 बजे सरोजनी नायडू मार्ग पर स्थित योजना भवन के पास सरकारी राशन की दुकान पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि निःशुल्क राशन वितरण करेंगे। बता दें कि 80,000 राशन दुकानों पर राशन वितरण कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें लाभार्थियों को राशन, खाद्य तेल, दाल, नमक बांटा जाएगा। बता दें कि मार्च 2021 तक सरकार ने मुफ्त राशन योजना में तेल, दाल और नमक को भी शामिल किया है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। 2021 में भी मई से लेकर के दीपावली तक, यानी रामनवमी से लेकर दीपावली तक, भारत सरकार ने 7 महीनों तक खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना लागू की थी और राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 माह तक खाद्यान्न वितरण का एक कार्य प्रदेश के अंदर उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाने का कार्य किया था। जो लोग अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के कार्ड धारक हैं, डबल इंजन की सरकार का डबल खाद्यान्न का लाभ भी हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, यह लाभ भी हर जरूरतमंद को दिखे, इसी दृष्टि से आज इस बृहद खाद्यान्न योजना का शुभारंभ एक बार फिर से दीपावली से होली तक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो महीने में 2 बार खाद्यान्न योजना का लाभ हर जरूरतमंद को प्राप्त हो, आज इसी का शुभारंभ करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। प्रत्येक कार्ड धारक को जो अनमन्य खाद्यान्न है, उस अनमन्य खाद्यान्न के साथ साथ 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, 1 किलो अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो चीनी और 1 किलो दाल भी इसके साथ उपलब्ध कराई जा रही है और जो एकदम पैक्ड है। ये केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली एक वह आपको एक संबल है कि कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम सब यहां पर आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा खाद्यान्न वितरण की इस पूरी कार्रवाई को कितनी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। 2017 के पहले यही खाद्यान्न खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था और यह खाद्यान्न उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे देश की ओर चला जाता था। गरीब टकटकी लगाई देखता रहता था लेकिन उसको कभी खाद्यान्न नहीं मिल पाता था, गढ़तोली अलग से थी। प्रदेश के अंदर 2005-06 में हुआ खाद्यान्न घोटाला रहा हो या उस दौरान सैकड़ों लोगों की भूख से हुई मौत, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2015-16 में भी पिछली सरकार जब यहां पर थी उस समय भी प्रदेश के अंदर भूख से मौतों के तमाम मामले देखने को मिले थे। जब उनके पास सत्ता थी तब गरीबों का खाद्यान्न हड़प जाते थे,
तब गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, तब गरीब को मकान नहीं मिलता था, तब बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, तब गरीब को कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती थी, बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं मिलता था, साफ सफाई नहीं होती थी, किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता था। स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के देखें, वहां पर बदहाल स्थिति थी। विकास के कार्यों में पेशेवर माफिया और अपराधी डकैती डालते थे, एक सामान्य नागरिक परेशान रहता था। उन स्थितियों में वे लोग वैक्सीन के खिलाफ भी दुष्प्रचार किए हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं, चोरी छुपे घर के अंदर ले चुके होंगे वैक्सीन, लेकिन गरीबों को बताने के लिए कि कहीं ये गरीब भी अगर कहीं वैक्सीन ले लेगा तो ऐसा ना हो कि फिर बाद में उन लोगों का वनवास हमेशा के लिए वनवास हो जाए, और इसलिए बहकाने के लिए लोग तमाम प्रकार का। अलीगढ़ में पूर्व विदेश मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी की ओर से अलीगढ़ पहुंचने पर भाजपा पर जमकर प्रहार किए गए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपाइयों ने लाल टोपी पर प्रहार किया है, आगामी चुनाव में लाल टोपी का कमाल नजर आएगा। पूर्व मंत्री सलीम शेरवानी ने कहा कि 2022 का चुनाव नजदीक है और समाजवादी पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मौजूदा सरकार ने समाजवादी पार्टी के लाल गमछे पर जवाब देते हुए कहा कि मौजूदा सरकार चुनाव को तरीके से लड़े, जबकि एक दूसरे पर तंज कसने पर कुछ नहीं होता। आज मेरा कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, हमारे बहुत पुराने साथी हैं अश्विनी शर्मा साहब, उनके यहाँ शादी थी तो उसमें मैं आया हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि इस दफ़ा उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने, और सरकार बनने के लिए हमें 200 का आंकड़ा पार करना है, क्योंकि 403 सीटें हैं। अगर हम 200-250 सीटों पे पहुँचेंगे तभी हमारी सरकार बनेगी। तो हमारा जितनी कोशिश है वो यही है कि हम अच्छे उम्मीदवार उतारें, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से लड़ाएं जिनकी अपनी क्षमता है वोट लेने की, उसके बाद पार्टी का वोट जुड़ेगा, फ्लोटिंग वोट उसको जुड़ेगा, जो बीजेपी से नाराज़गी का वोट है वो उसमें जुड़ेगा, और उसको लेके हम अपना आंकड़ा जो हमारा बन रहा है 300-325 सीटों का। संभल में मीडिया से बात करते हुए 2022 चुनाव को लेकर पूर्व सांसद डीपी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड से बरी होने के मामले में कहा कि सबको पता है कि किसकी साजिश ने मुझे जेल भेजा। वहीं मुलायम सिंह यादव को कहा कि उनका चरण बढ़िया नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ धोखाधड़ी की। विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में सजा और फिर बरी होने समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से बात की और बाहुबली पूर्व सांसद के बारे में बताया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कोई भी गेम, कोई भी मैच जब होता है और उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, पीछे पीछे हो जाओ भाई साहब थोड़ी थोड़ी, वो उनकी हौसला अफजाई के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है, जो बच्चे शिकस्त खा गए, दूसरे नंबर पे रह गए या तीसरे नंबर पे रह गए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हिम्मत हार जाए और वो तो फेल हो गए। वो फेल नहीं हुए, उनको एक तो जिंदगी मिली, उनको एक प्रेरणा मिली और एक हौसले के साथ। तो बाहुबली नेता के बारे में बताया, आपको बता दे कि उन्होंने जनता के बीच पहुंचकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि सबको पता है कि मैं किस वजह से और किसकी वजह से जेल गया था। संभल में मीडिया से बात करते हुए 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व सांसद डीपी यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी। महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि साजिश में मुझे जेल भेजा गया। मुलायम सिंह यादव को कहा कि उनका चलन बढ़िया नहीं है, तो मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये बात कही है। मुलायम सिंह यादव ने उनके साथ धोखाधड़ी की, इस बात का आरोप भी लगाया है। विधायक महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में सजा और फिर बरी होने समेत तमाम मुद्दों पर उन्होंने मीडिया से बात की। प्रतापगढ़ के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में पत्रकार अनुराग तिवारी से दबंग
ने गाली गलौज की है और अभद्रता की है। बता दें कि खबर मिलने से नाराज होकर दबंग डब्बू सिंह ने पत्रकार से अभद्रता की, जिसके बाद मौके पर पहुंची संग्रामगढ़ पुलिस के सामने भी दबंग ने पुलिस का खौफ देखने को नहीं मिला और पत्रकार को खुली चुनौती दी। पुलिस के सामने भी दबंग अभद्रता करता रहा। वहीं अब अभद्रता करते हुए दबंग डब्बू सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वहीं वायरल मामले में और ये मामला सामने आने के बाद अब तक दबंग डब्बू सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आपको बता दें कि अभी तक बेखौफ घूम रहा है बदमाश, पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं। प्रेम, किस चीज को लेके ये अभद्रता की गई पत्रकार के साथ? जी बिल्कुल, बता दें ये मामला संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां पत्रकार अनुराग त्रिपाठी अपने घर से संग्रामगढ़ थाना की ओर आया था। जहां एक दबंग किस्म का व्यक्ति, जिसके ऊपर पत्रकार ने बीते दिनों पहले खबर चलाई थी, लेकिन वही दबंग किस्म का व्यक्ति उन पर आरोप है कि तमंचा सटाकर पहले तो उन्हें गाली गलौज देने लगा, और इस पर जब उन्होंने आपत्ति जाहिर की और प्रशासनिक अधिकारी की सहायता लेने का प्रयास किया, तो मौके पर जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आती है। वो दबंग जो है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, वो दबंग पूरी तरीके से पत्रकार को जान से मारने की धमकी व गाली गलौज पूरी तरीके से दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है प्रतापगढ़ पुलिस पर कि मूक दर्शक बनी हुई केवल दबंग को समझाने में लगी रही, ना कि वह तत्काल दबंग की गिरफ्तारी की, अभी तक ना भी दबंग पर कोई कार्रवाई की गई। जी बिल्कुल, बता दिए संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का मामला है। यही नहीं, बीते दिनों पहले लगातार पत्रकारों पर ऐसे ही अभद्रता की जाती है, लेकिन प्रतापगढ़ पुलिस केवल मूक दर्शक बनकर काजी कोरम कार्रवाई पूरा करने में लगी रहती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़े थे प्रतापगढ़ से। गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गरीब और असहाय परिवार के कन्याओं का हाथ पीला कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाया जा रहा है। जनपद गाजीपुर के सभी विभागों से युवक और युवतियों का सामूहिक विवाह गाजीपुर के नवीन स्टेडियम में संपन्न कराया गया, जिसके मुख्य अतिथि गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला शामिल रहे, जो सामूहिक विवाह की व्यवस्था को देखकर कार्यक्रम को बीच मन में ही छोड़कर चले गए। दरअसल इस सामूहिक विवाह में कोई भी विवाह मंडप शहनाई की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसे देखकर प्रभारी मंत्री भड़क गए और कार्यक्रम स्थल से चले गए। इसके पूर्व मंत्री खुद जमीनी हकीकत जानने के लिए वर वधू और उनके परिवार से मिलकर बात किया और कार्यक्रम की जमीनी हकीकत जानी। सुबह की पाली में 323 जोड़ों का व्यवस्था की, दो पालियों में शादी होनी थी, प्रथम पाली के लिए 323 और द्वितीय पाली के लिए 236 जोड़ों का पंजीकरण विभिन्न विकास खंडों और नगर पालिका परिषद से हुआ था। तो प्रथम पाली में 323 जोड़ों को बुलाया गया था। अभी इसमें देखना है कितने अनुपस्थित रहे, अब इसका आंकड़ा भी निकल जाएगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं, पहले आप जाके देखिए, बिना सिंदूर की तो शादी नहीं होती है, फिर भी सिंदूर का प्रयोजन यहाँ किया गया है। बाकी चीज़ें हैं, ये जो शुरुआत हुई है उसमें थोड़ी बहुत 19-20 कमी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से पंडित और ब्राह्मण जो परंपरागत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, एक जोड़े को, एक परिवार को जोड़ने का काम हो रहा है, एक पति और के घर में वरमाला पत्नी डाल रही है, लड़की डाल रही है, उनके लिए ये वैवाहिक जीवन सबसे। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं गाजीपुर से। पवन, क्या कुछ जानकारी है, किन तरह की कमियों का सामना करना पड़ा वहां पे लोगों को? जी मैम, प्राप्त जानकारी के अनुसार, जैसा कि मुख्य अतिथि गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला आ रहे जी, जो सामूहिक विवाह की व्यवस्था देखकर कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चलते बने जी, तो वजह क्या थी बीच में छोड़ के जाने की? इस सामूहिक विवाह में 1500 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज, जिसमें 40 मुस्लिम रीति रिवाज से शादी संपन्न कराया गया। और बात रही तो कलश एक थी और जोड़े 4-5 बैठे थे, जिसको लेकर काफी नाराजगी जोड़ों ने व्यक्त की थी जी। और वहां पे सिंदूर भी नहीं पाया गया था जी। जब ये विधायक जी से बात हुई तो वो इस पर टाल मटोल करते नजर आए, उन्होंने इस पर कुछ उचित जवाब देने की जरूरत नहीं समझा जी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ पवन मिश्रा गाजीपुर से संवाददाता जुड़े थे। खबर औरैया से है जहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत राशन वितरण दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राशन कार्ड धारकों को विशेष सुविधाओं के अनुसार राशन वितरण प्रक्रिया प्रारंभ की गई। कोटा डीलर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार राशन वितरण में अंत्योदय कार्ड पर 35 किलोग्राम और पात्र गृहस्थी कार्ड पर 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन दिया जा रहा है और कोटा डीलर की तरफ से अपील की गई है कि सभी लोग वैक्सीन लगाते हुए कोरोना महामारी के संकट से बचे। अंत्योदय कार्ड पे 15 किलो चावल, 20 किलो गेहूं, 1 किलो चना, 1 किलो रिफाइन और 1 किलो नमक फ्री दिया जा रहा है। सब कुछ सबको हिदायत दी जा रही है और वैक्सीन की सारी कुछ जमा करवा रहे हैं, फोटो का भी करवा रहे हैं। उसको हिदायत दे देते कि करवा के जाओ, राशन देंगे इसको, जब पहले देखेंगे कि निकाल के बाद देंगे, राशन तो देंगे ही लेकिन उसे कहेंगे दे देंगे, उसे वैक्सीन करवा दो। सही है सर, जो जो है दिया था टीवी पे उससे मिल रहा हम लोग, दाल है और वो रिफाइंड है, चना, अच्छा चना है, चना है और वो रिफाइंड है, नमक है और जो भी यूनिट पे मिलता है 5 किलो करके। खबर चंदौली से है जहां मुख्यालय स्थित महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज से सांसद खेल स्पर्धा समापन पर सांसद एकादश एवं जिलाधिकारी एकादश के बीच मैत्रीय क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें सांसद एकादश विजय रही। आपको बता दें कि जनपद स्तरीय ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता का समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। एक ही समय में मैदान में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं को देखने के लिए कॉलेज के छात्र छात्राएं दर्शकों के रूप में डटे रहे। मैं हमारे खेल अधिकारी जो मैच का पूरा नाम क्या होगा, रेसलिंग मैच। एक तो जो इसमें खेल में संचालन कर रहे हैं खेल अधिकारी, सारे लोग जो प्रतिभागी है, सबको मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और मैं अपने को किसी तरह से एक ओवर में एक बाल में किसी से बैट चला पाने के लिए थोड़ी सी अपने लिए प्रसन्नता करता। संभल में किसान विरोधी कृषि बिल को लेकर पिछले एक साल से चल रहे आंदोलन को कामयाबी मिली है। तानाशाही सरकार को देश के किसानों के सामने झुकना पड़ा क्योंकि किसान विरोधी कृषि बिल किसानों की फसल को बर्बाद करने और किसानों की कमर तोड़ने के लिए लाए गए थे, जिसकी लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लड़ी गई। उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन असली आराज नैतिक को शामिल किया गया और भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह संयुक्त किसान मोर्चा के 40 सदस्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। हरपाल सिंह ने बताया कि मूसापुर गांव का इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। फरुखाबाद में सरकार के आदेशों को पंचायत सचिव की तरफ से ठेंगा दिखाया जा रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कमालगंज ब्लॉक में तैनाती के दौरान उक्त सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, फिर भी न्याय पंचायत रोशनाबाद के सचिव धर्मेंद्र पाल की आदतों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। भटपुरा निवासी अनिल कुमार की मौत के बाद परिजन मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों से सचिव के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं गांव के ही रविंद्र कुमार ने अपनी मां की मौत के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सचिव से संपर्क किया। मामला बढ़ता देखकर सचिव धर्मेंद्र पाल ने परिजनों के ऊपर रुपए ना लेने की बात की और दावा किया। वहीं सचिव पीड़ित को आजकल कहकर टरकाता रहा है और आखिर में सचिव धर्मेंद्र पाल ने पीड़ित से रुपए की मांग की है। दक्षिण के अभाव में आज तक रंजीत पाल के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन सका है। शमशाबाद जिला क्षेत्र के गांव बैरमपुर का ये मामला बताया जा रहा है। किसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनना है, पति का? कब खत्म हो गए थे? जानकारी कुछ हमें भी सुनवाई हुई है, कुछ लोगों ने बताया है कि बिना पैसे के वो कार्य नहीं कर रहे हैं और
ग्राम सभा में कुछ कार्य हमने भी कराया है जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है उनके द्वारा, और वो बार बार यही कहते हैं कि पहले हिसाब कर लीजिए उसके बाद फिर किया जाएगा। मृत प्रमाण पत्र हमारे पिताजी का बनना है, बेचलाल का। कब खत्म हो गए थे? 4 साल हो गए। तो आप सचिव के पास गए थे? हाँ, कायमगंज भी गए, शमशाबाद भी गए। सचिव ने क्या कह दिया? अब पैसे ही मांग रहे काफ़ी, 500 रुपये मांग रहे हैं बनवाने के लिए। और 500 रुपये दे दे तभी बनेगा? जभी बनेगा। आप कितने बार गए थे सचिव के पास? 3 बार गए हम, लेकिन अभी तक बना नहीं? नहीं बना। हम चाचा का भी बनवाने के लिए गए तो जब भी नहीं बना। किसका मृत प्रमाण पत्र बनना है? मातारी। क्या नाम है माता जी का? मैं श्याम सुंदरी। तो किसने मृत प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बनाया, किसके पास गए थे आप? सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी ने क्या कह दिया? ये अभी बन नहीं पाएगा। क्या पैसे ऐसे मांगे क्या आपसे? पैसे ऐसे की तो कहीं नहीं, तो पैसे नहीं टरकाए रहे और क्या है? आपने पैसे नहीं दिए तभी टरका रहे हैं? हाँ, तभी टरका रहे। कितने दिन हो गए आपको? हो गई 1 साल। 1 साल से अभी तक मृत प्रमाण पत्र नहीं बनाया? नहीं बना। क्या नाम है सेक्रेटरी का? अब नाम और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, जो ये अवैध वसूली का मामला है, क्या कुछ इसमें कह रहे हैं पीड़ित? वो बिना पैसे के वो कार्य नहीं करते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी चीज को भी बनवाने के लिए उन्हें घूस की आवश्यकता होती है, और जो भी गरीब पीड़ित पैसे दे नहीं दे पाने में अक्षम होते हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र उनके परिजनों का लगातार लटका रहता है और उनको वो दिन प्रतिदिन वहां पर टरकाते रहते हैं। और जो सचिव है, इनका पूर्व में भी जो कार्यकाल रहा है वहां पर भी बड़ा विवादित रहा है, इनके ऊपर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे रहते हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक लोगों का इनके ऊपर हाथ होने की वजह से अभी तक इन पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। ग्राम प्रधान पति ने भी इन पे आरोप लगाया है कि इनके द्वारा 2500-2500 रुपए की अवैध वसूली मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए की जा रही है। तो सुंदरम, जब इस तरह की अवैध वसूली की जा रही है तो क्या इसकी कोई शिकायत नहीं की गई? हाँ, पीड़ितों द्वारा इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक अधिकारियों द्वारा इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और बस यहाँ पर इनकी अवैध वसूली जारी है। पीड़ितों द्वारा बताया गया था कि जल्द ही वो उच्च अधिकारियों को भी इससे अवगत कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इनके ऊपर कोई भी कड़ी कार्रवाई अभी हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता सुंदरम जुड़े थे फरुखाबाद से। फतेहपुर में जमीन सिंचाई के लिए नहर के पानी पर ही आश्रित है। पानी नहर में नहीं आने से गेहूं की अंकुरित फसल प्रभावित हो रही है। 21 दिनों के अंदर पहली सिंचाई हो जानी चाहिए थी। लगभग 3 महीने से निचली रामगंगा नहर में पानी ना होने से सिंचाई प्रभावित हो रही है। समय गेहूं की फसल को सिंचाई की जरूरत है, लेकिन पानी के अभाव में सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों को गेहूं के फसल में सिंचाई के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है। नहर में पानी ना आने से जो नहर किनारे की हजारों बीघे खेती है वो बहुत प्रभावित हो रही है। किसान भी इससे परेशान है, और पंपिंग सेट लगा के कहीं कहीं पर जो नहर का पानी था उससे सिंचाई हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं बचा है नहर में, बिल्कुल तलहटी में बिल्कुल चिपका हुआ है। तो इसलिए किसानों को बड़ी समस्या है, और नहर में यदि जल्दी पानी नहीं आया तो गेहूं की ये जो फसल है ये बर्बाद हो जाएगी। ऐसे नहर के किनारे बहुत बिल्ला रहे हैं, ट्यूबवेल दूरी है और ट्यूबवेल में बिछावट जीन कटवा जाते हैं और उसको फिर धरते हैं, समेटते हैं तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बुखार आ जाता है। तो कहाँ तीन का करें? खाद में जो है, खाद में दिक्कत है, डीएपी नहीं मिल रहा है। एक बार फिर जो है पानी जब बह गया है तो खेती बताओ, पानी कब मिलेगा, खेती खराब हो जाएगी, जीन फैलाते फैलाते परेशान हो जाते हैं, टेबल दूरी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।